हमें भी पहचानेंगे, सारे बंदे हमें पहचानेंगे। मैं जब बाहर के मुल्क में जब क़यामत आएगी तो जब जानवरों को मट्टी बना दिया जाएगा ना, काफिर के आएंगे। हमें यकीन नहीं हो रहा था जिस दिन हम क़यामत ली थी, उस दिन हमें यकीन नहीं हो रहा था कि अल्लाह, जब कोई बंदा मरता है तो जिंदा नहीं हो सकता। क्यों भाई? अल्लाह ताला मुर्दे को उठाएगा ना, क्यों नहीं? कब्र के मुर्दे को उठाएगा ना, क्यों पापा? यह बात तो होगी ना क़यामत वाले दिन, कब्र के दिन बंदा उठाएगा, अल्लाह ताला उस मुर्दे को उठाएगा अपने हुक्म के साथ। जैसी कब्र की नींद आती है वैसे इस जिंदगी में नहीं है, जैसी कब्र के बीच में नींद आती है वैसे कभी इस जिंदगी में नहीं है, ना इस दुनिया में है। वो बस कब्र की जिंदगी होती है, उसे कहते हैं कब्र की जिंदगी। तो फिर जब काफिर रोएंगे फिर पछताएंगे कि आज के दिन कितना बड़ा हिसाब होगा, हैं? तो उस दिन हिसाब किया जाएगा जिस दिन इन काफिरों ने इमाम हुसैन को मारा था ना, है? तो अब इनका बदला भी अल्लाह ताला लेगा, बदले को कहते हैं हिसाब। तो अल्लाह ताला ने क्या कहते हैं, पर काफिरों का भी अल्लाह ताला ने बनाया हुआ नहीं ऐसे के आप कहते हैं किसी और ने बंदे ने बनवाया हुआ काफिर को, है नहीं? काफिरों को भी अल्लाह ताला ने बनाया हुआ ना। यही मिट्टी है जिससे हम बने, जिसके बीच में हम गए, वही मिट्टी है। जो बंदा मिट्टी से आया है वो मिट्टी में जाएगा, आपको पता है ना? जो बंदा मिट्टी में से आता है वो मिट्टी में जाता है, आपको पता ही है बात सारी। पर अल्लाह ताला ने कहा झूठ ना बोलो, एक ये अच्छा अमाल नामा होता है। तो अल्लाह ताला ने कहा नमाजें पढ़ो, ये एक अच्छा, जैसे चुबान लोग या चुबरान लोग नमाजें नहीं पढ़ते। क्या पढ़ी है? रात को कुरान पाक पढ़ा था। तो ये नमाज, एक मिनट की नमाज भी देर हो जाए फिर भी हिसाब ही हिसाब है। जब जमीन टूटेगी ना, बस ज्यादा बातें नहीं।